करनाल तरावड़ी में हंस राइस मिल के पुराने मुनीफ संजीव व उसकी एक महिला साथी ने किया 74 लाख का फ्रॉड। पुलिस ने मुनीम व उसकी महिला के साथी को किया गिरफ्तार। करनाल पुलिस के ASP सुरेंद्र भोरिया ने बताया कि 3 सितंबर को हंस राइस मिल के मालिकों ने करनाल पुलिस को रिपोर्ट लिखवाने की। उनके मुनीम संजीव निवासी चीका ने हमारे साथ 74 लाख का फ्रॉड किया है व चोरी भी की है। ASP करनाल ने बताया कि हमने संजीव व उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया है। संजीव पिछले 1 साल से हंस राइस मिल में बतौर मुनीम काम कर रहा था। उसने मिल के हस्ताक्षरित चेकों का दुरुपयोग किया। उन्हें अपने खाते में, अपने परिचितों के खाते में और लालच देकर गरीब व्यक्तियों के खाते में डलवाए। गरीब लोगों से वापस पैसा ले लेता था और 2-3 हजार उनको दे देता था। संजीव ने मिल से काफी सामान भी चोरी किया है। इस सबके साथ उसकी महिला सहयोगी रेणु शर्मा ने दिया। अब न्यायिक हिरासत में है। आरोपी से पुलिस द्वारा 64 लाख बरामद कर लिया गया है। देखिए, मैं जो है ये तरावड़ी में केस दर्ज हुआ था, थाना तरावड़ी में 18 सितंबर को। वहाँ हंस राइस मिल है, वहाँ एक मुनीम रखा गया था। करीब 1 साल इसने वहाँ काम किया। उसके बाद विश्वास में लेके उनके चेक्स जो है साइंड चेक्स, और वो अपने नोन के या अपने खातों में ट्रांसफ़र करा के उसे कैश करा लिया, और भी कुछ उनका सामान वहाँ से इसने चोरी किया। तो इसका जो मोडस ऑपरेंडी था कि पहले विश्वास में लेना और उसके बाद उनके विश्वास का नजायज़ फ़ायदा उठाना, और साथ साथ जो जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद लेता था। उनको 5 या 10 हज़ार रुपये का लालच दे के जो अमाउंट उनके खातों में ट्रांसफ़र करा देता था। जैसे ही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा साथ साथ ही कैश करा देते थे। तो मेरी आपसे अपील, आपके माध्यम से सभी से अपील है, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब भी आप कोई स्टाफ रखते हैं तो उसकी कृपया करके वेरिफिकेशन जरूर करा लें। इस पर्टिकुलर मैटर में करीब 74 लाख रुपये का इसने ठगी कर दी थी, जिसमें से अब 64 लाख रुपये हमने रिकवर कर लिए हैं। बाकी अभी पुलिस रिमांड पर है। इसके साथ इसकी एक सो कॉल्ड वाइफ भी थी, वो भी अरेस्ट हुई है, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में चली गई है। रहने वाला इसका नाम है संजीव कुमार, ये चिका का रहने वाला है, और अभी फिलहाल CHD सिटी में ये रेंट का मकान लेके वहाँ रह रहा था। कब से कर रहे हैं ये? करीब 1 साल से यहाँ मुनीम था। इससे पहले चिका में भी इसने सेम मोडस ऑपरेंडी से 64 लाख के आसपास रिकवरी की। इसकी जो है एक वाइफ तो नहीं, वैसे इसने एक लड़की साथ रखी हुई थी, क्या नाम है सर? रेणु शर्मा। अच्छा, नंबर 2 जो इसने अपने मोबाइल नंबर दिए थे वहाँ, जो जहाँ ये काम करता था, वो भी सारे फर्जी थे। आधार कार्ड भी फर्जी बनवा रखा था। तो इसीलिए मैं आपसे, आपके माध्यम से अपील है कि आप सभी को ये मैसेज दें, जो भी आप स्टाफ रखते हैं खासकर जहाँ कैश की डीलिंग है, तो उसकी वेरिफिकेशन जरूर करा लें। अभी अरेस्ट हुआ है, केस हमने 18 सितंबर को दर्ज कर दिया था। अभी इससे रिकवरी होगी है, बाकी अब ट्रायल चलेगा कोर्ट में।